1to1scope.com में आप सभी का स्वागत है। सबकी बात आपके साथ इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर राम पुनियानी जी। राम पुनियानी जी का संक्षिप्त में आपको मैं परिचय करा दूं। आप काफी समय पहले IIT मुंबई में पढ़ाते थे और वहां से अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी। उसकी वजह क्या थी वो इन्हीं से जानना चाहेंगे और इसी के साथ बाकी भी जो हमारी चर्चा होंगी वो आपके सामने रखेंगे। सबकी बात आपके साथ। पुनियानी जी, आपने मैं समझता हूँ 92 में अपनी नौकरी से अवकाश लिया, उसकी वजह क्या थी और आपको ये बात कहाँ से आई कि मैं समाज में जाके इस काम के लिए करूँ, जो सांप्रदायिकता और संकरनी तेल की राजनीति होती है उसके लिए जो लोगों में राय पैदा हो रही थी, दंगे फिसाद हो रहे थे, तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो ये बता दूं कि मैं 1992-93 के बाद कई सालों तक IIT में रहा और बाद में जाकर मैंने 2004 में स्वेच्छा से निवृत्ति ली। पर इस दौरान भी मैं इस मुद्दे से जुड़ गया और जुड़ने की वजह ये थी कि मैं वैसे पहले मजदूर आंदोलन की समस्याओं को समझने की हमेशा कोशिश करता रहता था, उससे थोड़ा बहुत जुड़ने की भी कोशिश करता था। पर 1992-93 में खास तौर से 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया और उसके बाद बम्बई में जो भयंकर दंगे हुए मजहब के नाम पे, उसने मुझे कहीं दहला दिया। मुझे लगा कि मजहब तो लोगों को जोड़ने वाली चीज़ है, मजहब तो इंसानियत का दूसरा नाम है और इसी के नाम पे लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि ये सामान्य दंगे नहीं है जो भारत में 1961 में जबलपुर के दंगों के बाद से लगातार दंगे हुए। पहले मुझे इतना नहीं लगता था पर 92-93 के दंगों की भीषणता को देखकर मुझे लगा ये दंगे शायद एक किसी गहरी साजिश का भाग है और गहरी साजिश से भी ज़्यादा एक गहरी राजनीति का भाग है जो सांप्रदायिक राजनीति है। तो इसके बारे में जब मैंने समझने की प्रक्रिया की शुरुआत की तो मुझे ऐसे समझ में आया कि सांप्रदायिक दंगे सांप्रदायिक राजनीति का ऊपरी दिखने वाला भाग है और जबकि सांप्रदायिक राजनीति जो मजहब के पहचान को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर, गौ हत्या को लेकर, सुअर के मांस को लेकर, ये जो सांप्रदायिक राजनीति भारत में की जाती है इसके पीछे वो लोग हैं जो समाज में लोकशाही नहीं चाहते, जो समाज में अल्पसंख्यकों के बराबरी के अधिकार को स्वीकृति नहीं देते। और साथ ही आगे अध्ययन करने से पता चला कि इनका जो निशाना अल्पसंख्यक होते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज होते हैं, ये भी केवल ऊपरी दिखने वाली चीज़ है। इसके नीचे अगर आप जाके देखें तो ये राजनीति वास्तव में समाज के कमज़ोर तबके यानी दलित, महिला, मजदूर, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक, इनको दुय्यम दर्जे पर ढकेलना चाहती है। वहाँ से मैंने फिर थोड़ा और अध्ययन किया और इस काम से मैं जुड़ गया। बम्बई में उस समय डॉक्टर असगर अली इंजीनियर ये एकता नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, बाद में चल के उन्होंने सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म बनाया और इनके काम के साथ जुड़कर मैंने अपना योगदान देना शुरू किया। जितना भी मुझे वक्त मिलता था नौकरी के अलावा, छुट्टियां लेकर, छुट्टियों में मैं इस काम को पूरा जुड़ गया। और दो तीन चीज़ें मुझे जो खास तौर से स्पष्ट आई कि सांप्रदायिक हिंसा की बुनियाद दूसरे धर्म के मानने वालों के बारे में नफरत पैदा कर की जाती है। ये नफरत पैदा करते हैं गलत प्रचार करके कि भाई ये मंदिर तोड़े गए, ये धर्मांतरण जबरदस्ती से किया गया। तो इनका भी मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि इतिहास में मंदिर, मस्जिद, चर्च, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी प्रकार के राजाओं द्वारा ये तोड़े भी गए और बनाए भी गए। तोड़े क्यों गए? तोड़े गए ये संपत्ति के लिए। तोड़े क्यों गए? सत्ता के लिए। नंबर एक।
कई धर्म स्थलों में संपत्ति के भंडार थे। आप जानते होंगे आज भी सोमनाथ के मंदिर में उस समय 151 करोड़ की संपत्ति थी, आज के कई मंदिरों में हजारों करोड़ की संपत्ति है। ये एक कारण। दूसरा कारण, जब दो राजा आपस में लड़ते थे, हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, हिंदू मुसलमान, तो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा के धर्मस्थल को तोड़कर उस राजा का अपमान करता था और वहां की प्रजा को यह संदेश देता था कि अब यहाँ मेरा राज्य है। इसी के साथ धर्मांतरण की बात है, तो कोई भी धर्मांतरण ज्यादातर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि जिस व्यवस्था में वो है वो व्यवस्था उसके लिए सही नहीं है, उस व्यवस्था में उस पर अत्याचार हो रहा है, तब वो दूसरे धर्म की तलाश करता है। भारत में भी यही हुआ। भारत में करीब 80% जो शूद्र अछूत थे, जिनको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, उन लोगों ने सूफी संतों की दरगाह पर जाना चालू किया और सूफी संतों के मानवतावादी प्रचार में आकर उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। ऐसी बात क्रिश्चियंस में भी देखी गई। बाद में क्रिश्चियंस के खिलाफ भी इस प्रकार का प्रोपेगेंडा हुआ। आप जानते होंगे शहरों में क्रिश्चियन मिशन स्कूल्स हैं, वहाँ सभी लोग जाना चाहते हैं, पर गांव में ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज काम करते हैं उसी एरिया में इन लोगों को डराना धमकाना, उसका मुख्य कारण धर्म नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि ये जागरूकता की बात, शिक्षा की बात समाज के आदिवासी गरीब दलित तबकों तक न जा सके। तो ये बात जब स्पष्ट हो गई तो उसी के साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद हुई। ये हम सब जानते हैं, या मुसलमान राजा भी थे, हिंदू भी राजा थे, किसी समय भी पूरे भारत में किसी एक राजा का राज्य नहीं था। उत्तर में एक राजा था, दक्षिण में दूसरा राजा था, वहाँ औरंगजेब था, यहाँ शिवाजी था, शिवाजी था उसके बाजू में दूसरा हिंदू राजा था, उसके बाजू में तीसरा मुसलमान राजा था। तो इनमें जो झगड़े होते थे वो धर्म के लिए नहीं होते थे, वो सत्ता के लिए होते थे। और ये राजा भी, इनके दरबार में भी अगर आप देखें तो औरंगजेब, जिसको इतना खराब खतरनाक खूंखार माना जाता है, औरंगजेब के दरबार के 34% अधिकारी ये हिंदू राजा थे। अकबर के दरबार को तो आप जानते हैं, उसमें नौरत्न थे, उसमें बीरबल भी थे, उसमें टोडरमल भी थे, अकबर के प्रधान सेनापति राजा मानसिंह थे। आजकल मुझे दुख ये होता है कि ये बातें जब स्पष्ट हैं तो भी हमारे यहाँ ऐसे सीरियल आ रहे हैं जो इन राजाओं को धर्म के नज़रिए से बताते हैं, जैसे कि राणा प्रताप, अकबर, जैसे इनकी लड़ाई धर्म के कारण हुई हो। मैं आपको जानकारी दे दूं, इनकी लड़ाई का कारण सत्ता था और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं था। अकबर पानीपत की, अकबर हल्दी घाटी की लड़ाई में खुद नहीं आए थे, अकबर के बदले आए थे राजा मानसिंह, और राजा मानसिंह के जो सहायक थे वो थे शहजादा सलीम, और राणा प्रताप के जो सहायक थे उनका नाम था हकीम खान सू। तो जो हमारे दिमाग में कल्पना है कि हिंदू राजा एक तरफ मुसलमान राजा दूसरी तरफ लड़ते रहे, गलत है। जो हमारे दिमाग में कल्पना है हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, अब समाज है, स्वार्थ है, लोग लड़ते भी हैं, लोगों में मोहब्बत भी होती है, लोग अलग भी रहते हैं, लोग मिलजुल कर भी रहते हैं, और इसलिए भारत की सभ्यता संस्कृति साहित्य कला इनमें आप हिंदू मुसलमान दोनों का योगदान दे सकते हैं। आप भारत का संगीत देखिए, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ये खड़े हैं पंडित रविशंकर के साथ में। आप भारत की कविताएं देखिए, भगवान कृष्ण पर सूरदास के खड़े साथ खड़े हैं रहीम और लस खान। आप अभी की भी हिंदी फिल्में देखें तो कितने मुसलमान शायर हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर सुंदर गीत और ये सब लिखे। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, पर अंग्रेजों ने इसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जैसे कि मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, हिंदू मुसलमान पर अत्याचार कर रहे थे, और उन्होंने राजा और आम प्रजा के बीच में फर्क नहीं किया। राजा राजा होता था, गरीब किसान होता था, अमीर राजा गरीब किसान के साथ गले नहीं लगता था, हिंदू राजा एक शूद्र के साथ एक आम व्यक्ति के साथ हाथ मिलाकर ये नहीं कहता था हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये सब जो गलत धारणाएं आई ये अंग्रेजों के आने के बाद आई। ये स्पष्टीकरण मुझे हो गया कि
कि ये मामला धर्म का नहीं है। धर्म आप इस्लाम में देखो तो इस्लाम में मूल्य है हम सब भाई भाई हैं, ऑल मेन आर ब्रदर। हिंदू धर्म में देखिए तो कल्पना है वसुधैव कुटुंबकम। क्रिश्चियनिटी में देखिए तो कल्पना है अपने पड़ोसी से प्यार करो, जो भी उसका धर्म हो, जो भी उसका मजहब हो, और पड़ोस यानी आपका पूरा दुनिया, आपका पड़ोसी। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे दिमाग में गलत धारणा लाई राजाओं के हिसाब से, दूसरे लोगों के हिसाब से, और इन धारणाओं को यहाँ के जो वर्ग लुप्त हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे, जो समाज में जिनका कोई महत्व कम हो रहा था, जैसे कि हिंदू राजा, मुसलमान नवाब, हिंदू जमींदार, मुसलमान जागीरदार, इन लोगों ने अपने उनका जो पतन हो रहा था तो उन्होंने खुद के पतन को धर्म के आवरण में बताया कि ये हमारे धर्म पे संकट है, और इसीलिए यहाँ एक तरफ बनी मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ बनी हिंदू महासभा। इन दोनों के संस्थापक राजा लोग थे। दूसरी तरफ बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें आम लोगों ने सहभागी लिया, सभी धर्मों के लोगों ने सहभागी लिया। बना फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह जैसे नौजवानों ने भाग लिया। बना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर जैसे महान विचारक जिन्होंने समाज में बराबरी लाने की कोशिश की, उन्होंने साथ दिया। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि एक तरफ वो राजनीति है जो धर्म निरपेक्षता के आधार पर समाज में सबको बराबर मानती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बुद्ध यहूदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भगत सिंह जैसे विचार, समाजवादी विचार, अंबेडकर जैसे विचार, दलितों से जुड़े। दूसरी राजनीति जो मुस्लिम लीग के आधार पर आई, हिंदू महासभा के आधार पर आई, इन लोगों ने केवल राजाशाही के मूल्यों को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, और उन्होंने ये जो अंग्रेजों द्वारा फैलाई हुई नफरत की बात थी, इस नफरत को समाज में वो नीचे ले गए। भारत में 1980 तक ये लोग थे। पार्टीशन के बाद मुस्लिम सांप्रदायिकता कमज़ोर हो गई, हिंदू सांप्रदायिकता शांत रही। 1980 के बाद बहुत सारे कारणों से, शाहबानो का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, उसके बाद सांप्रदायिक राजनीति ने यहाँ के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को एक चुनौती देने का काम किया, और इस प्रकार से प्रचारित किया कि धर्मनिरपेक्षता यानी नास्तिकता, धर्मनिरपेक्षता यानी ये हमारे समाज के खिलाफ है, इस प्रकार की बातें आई। और ये मुझे जब लगा कि सभी धर्मों की शिक्षाएं प्रेम सिखाती हैं, आप संत कबीर की बात करें या ख्वाजा गरीब नवाज की बात करें या मदर मेरी वेलंकिणी उसकी बात करें, इन लोगों ने सभी को गले लगाया, और इन लोगों ने धर्म की एक बहुत प्यारी परिभाषा दी जो अपने सानाई गुरु जी कहते हैं, खरा तो एक ची धर्म जगाला प्रेम अर्पा। तो एक तरफ ये परिभाषा, और दूसरी तरफ जिन्ना साहब की पार्टी, जिन्ना के विचार अलग हों पर जब उस पार्टी में गए तो उस पार्टी के विचारधारा, उस तरफ से हिंदू महासभा के विचारधारा, इन्होंने एक प्रकार से भले वो लोग धर्म को मानते थे कि नहीं, पर उन्होंने दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ नफरत है, और वो नफरत के बीच 1980 के बाद बहुत तेजी से आए। मेरा ये अनुभव रहा 1980 के बाद भी समाज में गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बीमारी, ये समस्याएं मुख्य है, इनको दरकिनार करके इन्होंने मंदिर का मुद्दा लाया, अपने पर्सनल लॉ का मुद्दा लाया, और जिसके कारण चलते हुए समाज के कमजोर लोगों की समस्याएं एक प्रकार से पीछे ढकेलने का काम किया। और खैर इसी दौरान चलते चलते फिर मैं लोगों से बात करने लग गया, थोड़ा अध्ययन किया, थोड़ा मनन किया, फिर थोड़ा लेखन का काम किया। अब ये सब बहुत असरदार रहा है ऐसा मैं नहीं मानता, ये एक बड़े समुद्र में एक बूंद के सब समान है, काम बहुत ज़्यादा है। आज जैसे समाज के लोगों के मानव अधिकार खतरे में हैं, कमज़ोर लोगों के, समाज के लोगों की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से धर्म के नाम की राजनीति खतरनाक तरीके से हमारे लोकतंत्र पर लगातार हमला किए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने, हमारे साथी और बाकी पूरे देश भर में खड़े हो गए, हमने ऑल इंडिया सेक्युलर फोरम बनाने की कोशिश की, जिसके माध्यम से बहुत साथियों को हमने जोड़ा है, पर ये संख्या अभी भी बहुत कम है, क्योंकि हमें जो संदेश लेना है
वो 121 करोड़ तक ले जाने, हमें किससे नफरत नहीं है, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी क्षेत्र का हो। जैसे गांधी जी ने देश के सभी लोगों को एक किया, जोड़ा, वो काम आज फिर से करने की जरूरत है। इसीलिए ये काम करते करते जब मैं सन 2000 के करीब आया, तब मुझे लगने लग गया कि मैं ये दोनों काम करना मुश्किल हो गया है। और फिर धीरे धीरे मैंने एक साल की छुट्टी ली, फिर और छुट्टी ली, और ये फैसले पे आया कि मैंने अब ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तब क्योंकि समाज में इस काम को करने की बहुत जरूरत है। मेरे अंदर ये तड़प कहाँ से आई ये मैं नहीं जानता, पर मुझे इतना बात स्पष्ट है कि समाज के लिए हम में से कुछ लोगों को सामने आके एक इस प्रकार के काम को बढ़ाना पड़ेगा। और जो भाईचारा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेटर्निटी, जो गांधी जी ने लाया, उसको निर्माण करने के लिए फिर से एक मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इसी के सिलसिले में जो भी ऑल इंडिया सेक्युलर फोरम हो, सेंटर हो, अनल हो, इन सब की तरफ से ये काम लगातार जारी है। और मुझे थोड़ा संतोष है कि कुछ कुछ मुद्दों के बारे में स्पष्टता हो रही है, पर असंतोष उससे ज़्यादा है। असंतोष ज़्यादा इसलिए है कि समाज के बड़े तबकों तक हम नहीं पहुँच रहे। तो लगातार कोशिश यह है अमीर भाई कि हम ये समझने की कोशिश करें कि समाज के बाकी तबकों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, अपनी बातों को कैसे हम सरल बनाएं, अपने साहित्य को कैसा ऐसा सरल बनाएं कि सड़क का आम व्यक्ति उसको पढ़ सके, समाज के आम लोग, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के विद्यार्थी, समाज के शिक्षक, समाज के आम लोग इन बातों को समझ कर एक ऐसे रास्ते पर आएँ जहाँ वो सांप्रदायिक राजनीति जो समाज में नफरत के बीज डालती है उसको छोड़कर वो राजनीति, वो सिद्धांत जो सूफी संतों ने रखे, भक्ति संतों ने रखे, क्रिश्चियन थियोलॉजियंस ने रखे, जो इंसानियत के सिद्धांत थे उनको लाएं।